ब्रेक के बाद आपका एक बार पुनः स्वागत है पीएमई विद्या चैनल्स पर और हम शुरू करते हैं अपना मीट द ऑथर का आज का सेशन जो कि हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर पर हमारा आधारित है और जो जॉब रोल है वो है ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन। डॉक्टर सौरभ हमारे साथ हैं। सर एक बार पुनः स्वागत है आपका, नमस्कार। तो जैसा कि ब्रेक के पहले हमने बताया था जी कि ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन एक जॉब रोल है जी जो कि पूरे हिंदुस्तान में करीब 20 राज्यों में पढ़ाया जा रहा है और कक्षा 9 से और कक्षा 11 में दो जॉब रोल है, ये लेवल 3 और लेवल 4 का कोर्स पढ़ाया जा रहा है। और जैसा कि चर्चा की गई थी, ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन एक ऐसा कोर्स है कि आज हर व्यक्ति के पास दो पहिया है, चार पहिया है, स्पेशल व्हीकल्स है, इनको रिपेयर करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, सर्विस करने के लिए हमें इतने व्यक्तियों की जरूरत है कि अगर हमारे ये पढ़े लिखे बच्चे ट्रेंड होके आते हैं तो इनको काफी एक अच्छा सहारा मिलेगा। क्योंकि आप जैसा आपको मालूम है कि नई टेक्नोलॉजी आ रही, नई नई चीजें आ रही, डेली एक नया इनोवेशन हो रहा है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, हमारे गडकरी जी भी कहते हैं कि हमें ऊर्जा बचाना है, नई टेक्नोलॉजी लानी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बातें हो रही हैं और हर जगह चार्जिंग स्टेशन लगने जा रहे हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि ऑटोमोटिव सेक्टर में इतनी क्रांति आ गई है और हमें उसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, हमें ऐसे मैन पावर की तैयारी करनी पड़ेगी जो उसको हैंडल कर सके, उसको बेच सके, मार्केट कर सके, उसके रिपेयर कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं। और ऑटोमोटिव में मैं आपको बताऊं कि जो ऑटोमोटिव जो कंपोनेंट्स, कम से कम 50,000 से भी ज्यादा कंपोनेंट्स इसमें लगे रहते हैं और उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए, हर तरह से इसकी जरूरत पड़ती है। तो हम इस पाठ्यक्रम के थ्रू हमने कोशिश की है कि आपको बताएं कि हम क्या इसमें कक्षा 9 में पढ़ाने जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिव सर्विस सेक्टर ये जो कोर्स है ऑटोमेटिव स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से क्वालिफिकेशन पैक है, इसका नाम ESC Q01401 है, जो कक्षा 9th और 10th में हम इसको पढ़ा रहे हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बताते हैं कि हमने इस विषय में क्या क्या टॉपिक्स रखे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे इसको हमने 7-8 यूनिट्स में बांटा है। तो पहला यूनिट जो है हमने बताया कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे ऑटोमोबाइल का विकास हुआ, निर्माण हुआ, इसके इतिहास क्या रहा। क्योंकि जब तक लोगों को मालूम नहीं रहेगा कि इतिहास क्या था हमारा, तो आगे कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो पहला सेशन जो हमने लिया था इन्वेंशन ऑफ व्हील, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी खोज अगर आप कहें तो व्हील है, ये बहुत ही जरूरी है। आप सोच सकते हैं अगर व्हील नहीं होता तो हम बैठे रहते, कहीं नहीं जा सकते थे। तो सबसे पहले व्हील के बारे में चर्चा की, फिर व्हील का आगे उपयोग, बैलगाड़ियां आई, व्हील कार्ट आया, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू हुआ, एक मूवमेंट शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे ऑटोमोबाइल्स में इन्वेंशन होते गए, उसके बारे में हमने इस सेशन 3 और सेशन 4 में पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में इसके बारे में बताया। फिर यूनिट 2 में जो हम जाते हैं तो हमने कोशिश किया है बताने की टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर का क्या काम होता है, क्या रोल होता है, उसी तरह पैसेंजर व्हीकल्स क्या होते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स क्या होते हैं, और इसी तरह एग्रीकल्चर व्हीकल्स का देख रहे हैं कि नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, हमारे फार्मर्स बिल्कुल अपडेटेड है, कंबाइन और रीपर का उपयोग कर रहे हैं, तो नई टेक्नोलॉजी आ गई। उसी तरह कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, आपने देखा होगा कि CNC मशीनें आ गई हैं और डंपर्स आ गए हैं, पूरा उन्होंने प्रोसेस ही बदल दिया, उसी तरह स्पेशल व्हीकल्स आ गए। ये हमने जनरल एक ओरिएंटेशन दिया है कि आपको पहले बच्चों को ये अवेयरनेस तो हो कि यूनिट 1 और यूनिट 2 में हमने क्या बताया है, कि कॉन्सेप्ट बताया कि क्या है ऑटोमोबाइल और उसमें कितने प्रकार होते हैं। अब हम इसके बाद आते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में हमने कोशिश की है बताने की जो मेजर सिस्टम्स क्या हैं ऑटोमोबाइल के, जैसे चेसिस फ्रेम है, ऑटो बॉडी है, इंजन है और लुब्रिकेशन सिस्टम है, कैसे इंजन काम करता है, उसी तरह कूलिंग सिस्टम क्या है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम है, फिर ट्रांसमिशन सिस्टम है, फ्रंट एंड रियर एक्सल है, स्टेयरिंग सिस्टम है, सस्पेंशन सिस्टम है, व्हील है, टायर के बारे में बात की, ब्रेक के बारे में बात की, उसी तरह सेफ्टी के बारे में बात की, कैसे आपको सेफ्टी भी मेंटेन रखनी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या है, साथ ही साथ जो मेजर एक रोड सेफ्टी बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कोई भी बच्चा अगर गाड़ी चला रहा है उसको मालूम होना चाहिए क्या रूल्स हैं, क्या साइंस होते हैं, कैसे इसको फॉलो करना चाहिए। तो
तो इसके बारे में भी हमने रोड सेफ्टी वाले यूनिट में इसकी चर्चा की है। इसी तरह यूनिट 5 में जो आज सबसे बड़ी चर्चा हमारे देश में हो रही है पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन के कैसे कम कर सकते हैं, एयर पॉल्यूशन, गाड़ियों में नए नए आविष्कार आ रहे हैं कि पॉल्यूशन को चेक करना है, फ्यूल को चेक चेंज करना है, तो जो उसके स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करना चाहिए। और आपको मालूम होगा कि PUC पॉल्यूशन से यूटिलाइज सर्टिफिकेशन की बहुत जरूरी है, ये भी एक चेक कराते रहना चाहिए कि जिससे कि आपका वातावरण में एटमॉस्फेयर शुद्ध रहे। तो ये सब चीजें इसमें पड़ी हैं। इसी तरह यूनिट 6 में व्हीकल मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग, जैसा कि आप खुद यूज करते हो कि आप जैसे अपने शरीर के लिए अपना ध्यान रखते हैं, इसी तरह अपनी गाड़ी को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है और समय समय पर उसमें लुब्रिकेशन है, ऑयल चेंज करना है, उसकी हवा चेक करनी है, जिससे कि हमारी गाड़ी की लाइफ एक्सटेंड बढ़ जाए। जी। तो ये सर्विस सर्विस सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है क्योंकि ये हर जगह पे हर कंपनी अपने अपने सर्विस सेंटर्स खोल रही है और साथ ही साथ अनऑथराइज सर्विस सेंटर्स भी बहुत खुले हुए हैं। तो इसका जो प्रोसीजर है इसके बारे में बताया गया, साथ ही साथ जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसके बारे में इस यूनिट में 7th यूनिट में बताया गया। कि आज जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इतना ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं कि आप अगर इस चेंजेस को नहीं सीखेंगे तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स को अपडेटेड रहना चाहिए कि क्या टेक्नोलॉजी आ रही है। तो इस सभी चीज़ों को हमने इस किताब में कोशिश की है रखने की, और जिससे कि बच्चों का ओरिएंटेशन हो। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ कि ऑटोमोबाइल जो शब्द ही है, जैसे ना ये आप इससे रिफर कर सकते हैं कि ऑटो कार भी हो सकती है, मोटर भी हो सकती है। और ये आप देखिए, इसका जो मेन उद्देश्य जो था ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पैसेंजर, जो कि अपने इंजन की सहायता से, तो आप देखिए कि ऑटोमोबाइल जो शब्द है एक ग्रीक वर्ड से आया था जिसका मतलब ऑटोस एंड लैटिन। तो मैं कह सकते हैं कि एक ऐसा यंत्र, ऐसी व्हीकल जो खुद अपने आप चलती है। तो ये ऑटोमोबाइल का शब्द का आविष्कार के मोबाइल हो गया और ऑटो हो गया, तो इस तरह से इस शब्द का आविष्कार हुआ। और ये जो है लैटिन वर्ड्स, फिर कहते हैं कि व्हील व्हीकल है या फिर कार्ट है, इस तरह से इसमें नए नए चेंजेस होते रहे। और जो कि ओरिजिनल जो इसका आविष्कार हुआ है वो गैलिक चैरियट से हुआ है। तो ये आप कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल की शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो हम देखते हैं कि इस ऑटोमोबाइल के जो आगे नए नए आविष्कार हुए हैं, सबसे पहला है इन्वेंशन ऑफ व्हील्स। ये जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था, अगर आप कल्पना कीजिए, अगर आपके पास व्हील नहीं है तो क्या आप कहीं जा सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं जा सकते, सही ना? तो आप बैठे रहेंगे जी। अगर व्हील नहीं होता जी तो आप कुछ नहीं कर सकते थे। तो सबसे बड़ा आविष्कार अगर कोई पूछे तो सब आप बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि व्हील जो है सबसे बड़ा आविष्कार है, मैकेनिकल इन्वेंशन जो हमारे समय में हुआ है। और ये हमारी सभ्यता के साथ धीरे धीरे इसमें विकास होता गया। आप देखिए कि पहले जो व्हील आया एक लकड़ी का टुकड़ा था, उन्होंने पेड़ का तना काट दिया और उसमें छेद कर दिया और उस गोल गोल उसमें देखा कि इसको ये आगे बढ़ता है। फिर इसको थोड़ा और मॉडिफिकेशन किया जी। उसमें उन्होंने क्या किया, पहिया लगा दिया। तो आप देखिए कि जो इन्वेंशन जो हो रहा है व्हील का, काफी पहले से हो रहा है। आप 4500 BC की बात कीजिए, उसके पहले की बात कीजिए, जो भी पर्पज था मिडिल ब्रॉन्ज एज से बात कीजिए, तो धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट आता गया। और स्पोक व्हील्स आए इसमें, क्योंकि वजन इसका बहुत ज्यादा था, इसको हल्का करना चाहते थे, फिर उन्होंने इसका बीच में जगह निकाली, इसमें स्पोक डाली, तो स्पोक व्हील्स आए। तो इस तरह से देखिए व्हील की उत्पत्ति आप सेंचुरी की बात करें तो आप मिलेंगे। तो लकड़ी का जो पहला पहिया जो बना, उसको धीरे धीरे उनको इम्प्रूव किया और उन्होंने कोशिश की कि गोलाकार हो। गोलाकार रहने से क्या होता है कि अच्छी ढंग से जो है हमारा पहिया घूमने लगता है। तो इसी तरह देखिए कि वुड व्हील बनाया धीरे धीरे, उसके बाद उन्होंने इसमें स्पोक व्हील बनाया। जैसे आपने साइकिल के पहिए देखे, साइकिल के पहिए में जो है तीलियां लगी रहती हैं, इसी तरह बैलगाड़ी के पहिए हैं। तो इससे क्या हुआ कि इसमें एक स्ट्रेंथ आती है पहिए में और ये आसानी से घूम सकते हैं। इसका आविष्कार धीरे धीरे स्पोक व्हील की तरफ आया। फिर अब देखिए जब पहिया बन गया तो उसका उपयोग शुरू हो गया।
शुरू में जो ट्रांसपोर्ट का जो होता था उसमें जनरली मैनुअली खींचते थे, जैसे आपने देखा होगा कि जानवरों का उपयोग नहीं करते थे पहले, खुद ही आदमी कोई भी गाड़ी को खींचता था। जैसे आप कलकत्ता कलकत्ता जाएंगे तो वहां रिक्शा जो है हाथ गाड़ी होती थी। हाँ राइट, हाँ जी, तो उसका उपयोग करते, फिर धीरे धीरे हमने सोचा कि इस पे तो बहुत मेहनत लग रही है, क्यों नहीं हम अपने जानवरों का उपयोग करें, इससे इसकी मेहनत भी बचेगी। इसीलिए इसका आविष्कार धीरे धीरे बुलक बुलक कार्ट बैलगाड़ी आई, उसके बाद घोड़े से चलने वाली गाड़ी आई और उसी तरह और जानवरों का प्रयोग करते रहे। तो आपने देखा होगा कि अभी भी हमारे जो खेत में किसान लोग जो ट्रेडिशनल फार्मर्स हैं अभी भी बैल का उपयोग करते हैं अपना बैलगाड़ी को ले जाने के लिए जी। और इस तरह से धीरे धीरे जो है इसमें चेंजेस आते रहे और बैलगाड़ियों का कार्ट्स का काफी उपयोग होता रहा। फिर आप देखिए जब ये चीजें आ गई तब फिर लोगों ने सोचा कि और इसमें कुछ किया जाए, तो धीरे धीरे उन्होंने प्रैक्टिकल कार बनाई, उन्होंने पहिया तो आ गया था हमारे पास, अब उन्होंने सोचा कि हम कुछ इसमें और करें, तो उन्होंने इंजन स्टीम इंजन का यूज किया, जो स्टीम की जो शक्ति थी उससे जो है इन्होंने एक मॉडल बनाया खिलौने का, फिर धीरे धीरे ट्रॉली बनाई और इस तरह से 1672 में ऐसा पहला मॉडल एक टॉय के रूप में बना। और जो धीरे धीरे इसमें आप देख रहे हैं आज जो अपनी गाड़ियां देख रहे हैं कितना चेंजेस आ गया, पहले कल्पना कीजिए इस तरह की गाड़ियां बनती थी और इस तरह से इसका आविष्कार हुआ। उसी तरह ये जीप्स बनने लगी, सैलून टाइप बनने लगे, कार फोर्ड मॉडल जो पुरानी पुरानी कंपनियां थी आज भी एग्जिस्ट है, इन्होंने काफी इनोवेशन किया और इस तरह से ये गाड़ियां बनती गई। और उसके बाद जो वर्ल्ड वार टू में जब देखते हैं कि 1960 के बाद बहुत सी गाड़ियां जो है हमारे देश में आ गई, पूरे विश्व में आ गई, उसमें जो मेजर इंडस्ट्री जो थी उसमें जनरल मोटर थे, साइलर थे, फोर्ड थे, उन्होंने बहुत सी तेजी से चलने वाली गाड़ियां बनाई और काफी मॉडल्स आए। और इस तरह से उस समय क्या हुआ कि अमेरिका में सड़कें बहुत अच्छी हो गई थी और धीरे धीरे जो है और वो पेट्रोल और गैसोलीन का ही प्रयोग करने लगे, तो ये मॉडल काफी सक्सेसफुल हो गए। अब आपको जैसे पता होगा कि पहले जो हमारे देश में गाड़ियां आती थी वो राजा लोग उस देश से अमेरिका से मंगाते थे, और देखिए महाराजा हो गया विंटेज कार्स पड़ी रहती हैं जो अभी भी चलती हैं, ये कारें उस जगह ज्यादातर यूएस जापान कंट्री में प्रोडक्शन है, यूरोपियन कंट्री में इनकी उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे इसमें काफी चेंजेस होने लगे। और इसकी जो हिस्ट्री देखेंगे तो 1966 में टोयोटा आ गई, फिर रेंज रोवर आ गई 70 में, फिर धीरे धीरे 73 में मर्सिडीज बेन आ गई, फिर बीएमडब्ल्यू आ गई, फिर 77 में होंडा आ गई, फिर डॉज एरिस आ गई, फिर सेसलर आ गई, तो रेनॉल्ट आ गई 84 में, फोर्ड टेरेस आ गई, तो कई मॉडल्स नए नए हर साल जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था आविष्कार होता गया, चीजें बढ़ती गई। और 2008 में हमारे देश में भी टाटा नैनो आई जी, टाटा नैनो का आपको मालूम होगा कि सबसे कम कास्ट की एक गाड़ी थी, है अभी भी चल रही है जी। और इसने एक क्रांति ला दी, फर्स्ट मेड इन इंडिया पहली कार जो है टाटा नैनो ही है बिल्कुल। उसके बाद 2010 में देखिए कि जैसा कि क्या पॉल्यूशन की चिंता हो रही थी, ठीक है फ्यूल खत्म हो जाएंगे, तो काम शुरू हो गया और उन्होंने पहली इलेक्ट्रिक कार भी बना दी जो कि हाइब्रिड थी, कि वो पेट्रोल से भी चलेगी इलेक्ट्रिक से भी करेगी। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है एक इनोवेशन होता गया और 2010 में भी आप देखेंगे इलेक्ट्रिक कार्स देशों में बनने लगी और आज हमारे देश में भी इसकी जरूरत पड़ने लगी है। तो आप इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखिए तो पहले आप देखेंगे हिंदुस्तान मोटर जो थी सबसे पहली कंपनी थी जिसने इस गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया और बिरला जो इसके लीडर थे, और 80s में काफी गाड़ी चल रही थी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी चल रही थी। अब धीरे धीरे एम्बेसडर कार जो है टैक्सी के रूप में यूज होने लगी, गवर्नमेंट ऑफिस में यूज होने लगी, और ये भी पुराने जो डेवलप कंट्री की जो व्हीकल थे उसके मॉडल के हिसाब से इसको इसमें मॉडिफिकेशन किया था। एम्बेसडर कार के बाद आपने देखा होगा कि काली पीली टैक्सी बोलते हैं इसको, फिएट कार जी, इसका भी निर्माण हुआ और इंडियन प्रीमियम ऑटोमोबाइल कंपनी जो थी 1944 में बनाई और पहला इन्होंने लॉन्च किया और धीरे धीरे इसमें चेंज होता गया। और आज उसके बाद हमारे देश में जब लिबरलाइजेशन आया
नई नई ओपन किया मार्केट को, इंडस्ट्री मार्केट को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मारुति स्टार्ट की, मारुति उद्योग। तो उन्होंने जापान की सुजुकी कंपनी से अपना मारुति 800, और जो कि पूरे देश में इसकी इतनी जबरदस्त डिमांड थी और ऐसा क्रांति ला दी, मतलब एक हल्की गाड़ी जो कम उसमें लाइट वेट होती है, चलने में आसानी। तो आज कह सकते हैं कि इंडियन ऑटोमोबाइल में भी मारुति कार एक पॉइनर कार थी जिसने काफी चेंजेस लाए, और पुरानी जो गाड़ियां थी फिएट और एम्बेसडर वो आज भी चल रही हैं और आज भी जो है इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज होने से इसको बदलाव आ रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे कैसे चेंजेस आया, और हम कह सकते हैं कि हमारे देश में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है। और आपको मालूम होगा कि हमारे देश में जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो भी गाड़ियाँ बन रही हैं, एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ। इंडियन मार्केट तो है ही, और काफ़ी इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी डिमांड है। तो इस तरह से धीरे धीरे गाड़ियों का निर्माण होने लगा, और अब इसको जो हमने व्हीकल्स को जो चार कैटेगरी में इसलिए बांटा कि आज बिल्कुल क्लियरिटी है कि टू पहिया वाले गाड़ी कौन होते हैं, तीन पहिया वाले ऑटो कैसे होते हैं, या आजकल मिनी ऑटो लोडर्स आ गए हैं, नए नए पैसेंजर्स व्हीकल आ गए हैं, कॉमर्शियल व्हीकल्स आ गए हैं। तो ये बच्चों को क्लियरिटी होनी चाहिए कि इसका क्या उपयोग है, क्या पर्पस है। तो स्पेशल एप्लीकेशन व्हीकल्स के बारे में बात है, जो आपको मालूम है कि फायर ब्रिगेड के लिए, जैसे इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए स्पेशल एप्लीकेशन व्हीकल्स आ गए हैं। तो ये भी एक बदलाव आ रहा है। तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे आपको, तो सबसे पहले हमने टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के बारे में बात की। तो टू व्हीलर तो सबको मालूम है, और सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल आज की डेट में ये पहिया टू व्हीलर यूज हो रहे हैं। जैसा आपको मालूम होगा कि आज हर घर घर में टू व्हीलर्स है। अगर बच्चों को मालूम हो जाता है टू व्हीलर्स कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेट करता है, कैसे सर्विस कर सकता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और छोटे से बड़े बच्चे भी इसको, अब इसने देखिए धीरे धीरे साइकिल को रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि इसके दाम इतने कम हो गए हैं, मेंटेनेंस फ्री हो गई है, इसका एवरेज अच्छा है। तो आप देखते हैं लोग जो है चाहते हैं ना कि हम भी क्वालिटी लाइफ जिए, तो धीरे धीरे इसमें टू व्हीलर्स के बारे में, थ्री व्हीलर्स के बारे में आपने देखा होगा कि थ्री व्हीलर्स भी काफी डिमांड है, पैसेंजर्स को ले जाते हैं और लोडिंग करने के लिए ले जाते हैं। तो इसमें भी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई और इसमें भी चेंजेस आने लगे। और आपको मालूम है कि दिल्ली जैसे शहर में ये सब ऑटो भी है सीएनजी से चलने लगे, तो उनकी कॉस्ट और कम हो गई, लोडिंग एंड थ्री व्हीलर्स भी काफ़ी सस्ते हो गए। इसी तरह जब ये क्रांति आई तो बहुत सी कंपनियों ने ऑटो रिक्शा बनाना शुरू कर दिया। इंडियन कंपनी ने, महिंद्रा ने, पिगागो ने, टीवीएस ने, बजाज ने, केरला ने, ऑटो लिमिटेड ने, फोर्स मोटर्स थे। इस तरह से जब इसकी, क्योंकि इसका मार्केट अच्छा था, डिमांड अच्छी थी, तो इसकी भी तैयारी होगी। उसी तरह पैसेंजर व्हीकल्स की जो बात करते हैं कि आज हर घर घर में इसकी ज़रूरत है कि पैसेंजर व्हीकल्स जो दो तीन सात लोग को लेके जा सकते हैं, जो टैक्सी भी ले जा सकते हैं या अपने पर्सनल यूज के लिए भी जा सकते हैं। इसके बारे में भी हमने चर्चा की है, और आपने देखा होगा कि फोर व्हीलर के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा क्रांति आई है। इसी तरह आपने सुना होगा जीप के बारे में, सुना होगा जीप भी, जो सबसे पहले जीप आई थी विली, और इन्होंने 17th एनिवर्सरी मनाई है 2011 में। और सबसे ज़्यादा जो एडवेंचरस लोग जी रोड व्हीकल के लिए जीप का ही ज़्यादा यूज करते हैं, और काफ़ी जो है इस तरह से वो इसको पसंद करते हैं जी। और काफ़ी आपने देखा इवन लेडीज भी आजकल जीप चलाने लगी हैं। बिल्कुल सर, वो तो आजकल कुछ भी, कोई भी व्हीकल हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, और कोई भी मुझे लग रहा है यंत्र, वो चला रही हैं। और जीप जैसे आपने कहा, बिल्कुल वाकई बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला व्हीकल है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शंस हैं, जो विकल्प हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उन विकल्पों का सृजन करना भी उतनी बड़ी चुनौती और उतना ही बड़ा मार्केट है, आप ये कहना चाह रहे हैं, राइट? जी हाँ, जी हाँ। इसलिए इसके बारे में बच्चों को एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है, इसीलिए ध्यान में रख के जीप के बारे में बताया गया है। उसी तरह अब आपने देखा कि आज हमारे देश में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉमर्शियल व्हीकल्स का बहुत डिमांड है, हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, दिल्ली का सीएनजीसी बसें आ रही हैं, और इसमें डबल डेकर बसें आ रही हैं,
तो कॉमर्शियल व्हीकल का भी काफी उपयोग बढ़ रहा है। उसी तरह एग्रीकल्चर व्हीकल्स, तो एग्रीकल्चर व्हीकल में भी देखिए ट्रैक्टर्स सबसे ज्यादा, ट्रैक्टर जो है पॉपुलर हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है और खेती के लिए तो बहुत ही उपयोगी चीज है। और ट्रैक्टर की सहायता से आप पूरा उपयोग करते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हमारे देश में लेबर की शॉर्टेज हो रही है, टाइम से लेबर मिलते नहीं है। अगर समय से हम एग्रीकल्चर का ऑपरेशन नहीं करते हैं तो पानी आ गया तो हमारी पूरी फसल जो है खराब हो जाएगी। तो अगर ट्रैक्टर ऑपरेटेड मशीनरी लगी हुई है, कंबाइन है, रीपर है, तो आप देखेंगे कि हम टाइम से हर काम कर लेंगे। तो इस तरह से एग्रीकल्चर व्हीकल के बारे में भी चर्चा की गई है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि कंबाइन हार्वेस्टर एक इतनी बढ़िया मशीनें आ गई हैं आज पूरे देश में। मैं आपको बताऊं, ये कंबाइन हार्वेस्टर जब सीजन आता है तो मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं और ये धीरे धीरे दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। और इनकी पहले से बुकिंग रहती है क्योंकि यहाँ पे अर्ली हार्वेस्टिंग होती है। तो देखिए इतना ज़्यादा कंबाइन हार्वेस्टर की डिमांड हो गई है। तो ये क्या है, ये मशीन ऐसी है कि सभी तरह के कार्य करती है, चाहे वो हार्वेस्टिंग है, गट्ठर बनाती है, उसको थ्रेशिंग भी करती है, छिलका भी अलग करती है, और एक बोरी में आपका प्रोडक्ट चाहे गेहूं हो या चावल हो इकट्ठा करके फार्मर्स को दे देती है। ये भी एक मतलब टेक्नोलॉजी इनोवेशन है। और पूरे डेवलप कंट्री में देखें तो एक ही मशीन से सब काम करते हैं और ये हमारे देश में भी आ गई है। इसी तरह आप देखें कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स के बारे में भी हमने चर्चा की, चाहे डंपर हो, चाहे रोड रोलर्स हो, चाहे बुलडोजर्स हैं, इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा अभी इनोवेशंस हो गए। आपने देखा होगा कि हमारे देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है और ये मशीनें उसमें बूम हो रही हैं। तो ये जो स्पेशल पर्पस ऑटोमोबाइल व्हीकल्स है, जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स ने इतना काम आसान कर दिया है रोड कंस्ट्रक्शन का कि इनके बारे में बच्चों को बताया गया है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि काफी व्हीकल्स जो है, आपने सुना होगा सीएनसी मशीनें आ गई हैं। और साथ ही साथ आपने देखा होगा डंपर्स आ गए, फोर्कलिफ्ट आ गए, जो कि फैक्ट्रीज में या जो ट्रेनें हमारे देश में चल रही हैं आजकल, आपने सुना होगा नई नई ट्रेनें आ गई हैं, तेजस है और इंजन बेसिस से आ गई है। हाँ जी, तो ये भी एक थोड़ा सा अवेयरनेस, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसके बारे में भी हम लोगों ने इसमें डाला हुआ है। ठीक है, तो ये हमने जनरल अवेयरनेस दिया आपको कितनी तरह के व्हीकल्स होते हैं, कितने तरह की इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं, इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए ये व्हीकल्स के बारे में बताया। आप जो थर्ड यूनिट आ रही है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल है, इसमें होता क्या, कैसे काम करती है, इसके बारे में हम लोगों ने बताया गया है कि मेजर सिस्टम क्या होते हैं, कौन सी कंपनी क्या यूज़ करती है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि एक चेसिस होती है जिससे पूरी पूरी गाड़ी आपकी असेंबल होती है। तो चेसिस के बारे में बताया गया। फिर इसके बारे में ऑटो बॉडी होती है कि उसमें बताया जाता है कि इसमें कौन कंपोनेंट कहाँ लगा रहता है। जैसा आपको मालूम होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां चेसिस बनाती हैं और सीधे जो है असेंबली सेंटर से भेज देती है, वहां पे इनकी असेंबली होती है बॉडी की, सीट की, स्टेयरिंग की, इंजन की। तो ये जरूरी है कि चेसिस के बारे में हम बताया गया है और बच्चे सीख सकें। तो चेसिस जो है स्टील फ्रेम का रहता है और इसे पूरी बॉडी फिटेड रहती है, चाहे इंजन हो, चाहे ट्रांसमिशन सिस्टम हो। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा एक कंप्लीट पैकेज इसमें दिया हुआ है। और चेसिस का काम क्या होता है, ये चेसिस जो है गाड़ी का वजन अपना, पैसेंजर का वजन ढोती है, इसलिए बहुत स्ट्रांग होती है और इंजन और ट्रांसमिशन टॉर्क को भी, स्ट्रेस को भी देखती है। तो ये भाई इसलिए इसका इम्पोर्टेंस विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। उसी तरह इंजन के बारे में बताया गया कि इंजन क्या होता है, इंजन कंपोनेंट्स क्या, कैसे काम करता है। तो बच्चे को सब चीज़ें समझ में जब आएंगी तब उसको समझ आएगी शक्ति कैसे बन रही, कार कैसे चल रही है। तो इंजन के बारे में बताया गया है। तो इंजन भी कितने तरह के होते हैं, इंटरनल कम्बस्चन है कि एक्सटर्नल कम्बस्चन है, स्पार्क इग्निशन है, कंप्रेशन है, इस तरह से एक एक कंपोनेंट इंजन के जो डिटेल में जाते हैं, किसे बताते हैं कैसे चलता है, क्या पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है, इसकी कौन से फ्यूल से चलता है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। उसी तरह डीजल इंजन के बारे में बात की गई है, उसी तरह आप आईसी इंजन के बारे में बात की गई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंजन जो है बहुत बड़ा कंपोनेंट है, लेकिन बच्चों को अवेयरनेस होना चाहिए कि
कैसे इसमें शक्ति पैदा हो रही, कैसे इसमें पावर डेवलप हो रही है। तो आप, आपको मालूम होगा कि इंजन के ऊपर भी एक स्टैंडर्ड्स होता है कि हमें इंजन में अपग्रेडेशन होता है कि कौन कौन फ्यूल के लिए यूज कर सकते हैं। उसी तरह इसमें जो इंजन के कंपोनेंट्स क्या है इसके बारे में बात की गई है, सिलेंडर हेड क्या होता है। तो इस तरह से बच्चों को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसकी तरफ मोल्ड किया जाता है कि एक्सपोजर होना जरूरी है। उसी तरह पिस्टन और पिस्टन रिंग्स की बात की गई कि पिस्टन का क्या काम होता है। जैसे इंजन में पिस्टन रहते हैं जो कि शक्ति उत्पन्न करते हैं, तो उसके जो मेंटेनेंस के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या करेक्टर्स होना चाहिए। उसी तरह कनेक्टिंग रॉड के बारे में बताया गया है। जैसा कि आपको मालूम कि इंजन जो है असेंबली है ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो उसी तरह कनेक्टिंग रॉड इसका एक पार्ट हो गया, क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट हो गया, उसी तरह पिस्टन पिन हो गया। तो साथ ही साथ इनलेट वाल्व क्या है इसके बारे में बताया गया है। तो जब आप इस कोर्स को बच्चे पढ़ेंगे तो उनको बहुत सी चीज़ें पता लगती हैं कि इंजन में क्या एग्जॉस्ट वाल्व क्या है, वॉल स्प्रिंग क्या है, इसका क्या काम है। इस तरह से एक यूनिट हम लोगों ने आईसी इंजन पर रखी है और इसमें इनलेट मैनिफोल्ड क्या होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि काफ़ी जो है इसमें नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड क्या होता है, कैम शाफ्ट क्या होता है, तो जो भी इसमें मॉडिफिकेशन है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसका भी ध्यान रख के इसमें बताया गया है। उसी तरह कैम एंड कैम फ्लावर क्या, फॉलोवर क्या हो गया, पुश रॉड, रॉकर आर्म्स हो गए, ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं। बच्चे जब पढ़ेंगे तो इनको ज़्यादा क्लियरिटी होगी कैसे इंजन काम करता है जी। फिर कार्बोरेटर का क्या रोल है। तो देखिए ये स्पार्क प्लग आपने भी देखा हुआ है, आप टू व्हीलर स्कूटर चलाते होंगे तो आपको जो है पहले स्पार्क प्लग की क्लीनिंग करनी पड़ती थी। बिल्कुल। तो इस तरह से इंजन में भी स्पार्क प्लग लगे रहते हैं। फिर लुब्रिकेशन सिस्टम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है क्योंकि अगर हमारे बॉडी में अगर हमें फ्यूल नहीं मिलेगा तो जंग लग जाएगा। इसी तरह गाड़ियों में भी लुब्रिकेशन बहुत जरूरी है कि आपको हर चीज़ों में ग्रीस है, ऑयल है, इस तरह से हर पॉइंट्स पे इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते जाएं, जिससे कि हमारे सभी सिस्टम जो है ऑटोमेशन जो है हो रहा है चलता रहे, कोई वियर टियर ना हो। उसी तरह लुब्रिकेशन बहुत ही काम की चीज़ है, वो मेटेलिक सर्फेस के बीच में जो भी ड्राई फ्रिक्शन है उसको कंपेयर कर रिड्यूस करता है। उसी तरह कूलिंग सिस्टम, जैसा कि आपको मालूम है गाड़ी बहुत गर्म हो गई, बहुत ज़्यादा देर तक चल रही है, या आपको एसी चाहिए गाड़ी में, तो उसको कैसे आपको कूलिंग सिस्टम कैसे हेल्प करता है, तो इस तरह से आप कूलिंग सिस्टम भी इसमें बताया गया है। फिर फ्यूल सप्लाई सिस्टम कैसे पेट्रोल टंकी से चलकर इंजन तक आता है और कैसे इसका ऑपरेशन होता है, तो इसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसी तरह ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में बात की, कैसे जो है व्हीकल जो है इंजन से जो शक्ति मिलती है अलग अलग पार्ट में कैसे जा रही है, इसके बारे में चर्चा की गई है। फ्रंट एंड रियर एक्सल के बारे में बात की गई है। तो आप कह सकते हैं कि ऑटोमोटिव में जो हमारा मेन कंपोनेंट है, एक बॉडी है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इंजन है, एक्सल है, प्रॉपलर शाफ्ट है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो भी हमारा सिस्टम है। अब आप देखिए स्टेयरिंग, स्टेयरिंग एंड सस्पेंशन, अगर स्टेयरिंग नहीं है तो आप गाड़ी कैसे डायरेक्शन देंगे जी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे काम करती है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, इसके क्या नाम है। तो स्टेयरिंग एंड सस्पेंशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो आप देख रहे हैं यार, व्हील टायर। व्हील टायर आपने देखा होगा कि आजकल जो टायर्स आ गए हमारे देश में वो ट्यूबलेस आ गए। पहले जो टायर आते थे उसमें ट्यूब लगे रहते थे, उससे गाड़ियों की लाइफ अच्छी हो गई और उसमें पंक्चर का काम खत्म हो गया। तो इस तरह से व्हील टायर और ब्रेक के बारे में बात की गई है। इस पर टायर के बारे में बताया गया, व्हील रिम क्या होता है, ब्रेक कैसे काम करता है। तो साथ ही साथ इसमें हमने ये जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट डाला है सेफ्टी, एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी, कि अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो कैसे अपने को बचा सकते हैं, तो उसके बारे में सीट बेल्ट के बारे में बात हो रही, एयर बैग्स। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी गवर्नमेंट ने एक कंपल्सरी कर दिया, जितने भी फोर व्हीलर्स बनेंगे उसमें एयर बैग रहना जरूरी है। जी जी जरूरी है जी, बिल्कुल। पहले ये चीजें नहीं होती थी जी। आपने आपने जिन हमारे जो मंत्री जी का नाम लिया था, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने ये अभी आह्वान किया है
कि जो जी जो जो कम दर की कारें हैं उन निर्माताओं को भी अपनी कार में जो है ये एयरबैग लगाना चाहिए, ताकि जो यूजर हैं उनकी सुरक्षा पहले तय की जा सके। राइट राइट राइट। जी दूसरी तरह वो एनर्जी एब्जॉर्बर सेफ्टी बम्पर्स बन गए हैं। तो देखिए टेक्नोलॉजी बहुत ही चेंज हो रही है। सबसे बड़ा अभी आपने देखा कि आज अगर किसी गाड़ी में एयर कंडीशन नहीं है तो लोग उसमें बैठना नहीं पसंद करते हैं, बिल्कुल चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे ट्रेन हो, जी चाहे फोर व्हीलर हो। जी कंफर्ट का लेवल आदमी का बढ़ गया है। तो जी एसी बहुत बड़ा एक इसमें सिस्टम काम करता है। और आपने जाड़े में देखा होगा गर्म हो जाता है, जी विंटर में आपको ठंडी ज्यादा लग रही है तो इसमें हीटिंग का भी प्रोविजन दिया है। तो एसी डबल पर्पस काम करता है। और अभी बरसात में फॉग हो जाता है तो एसी से आप जो है फॉग भी कंट्रोल कर फॉग क्लियर सकते कर हैं। तो सकते हैं। ये इट इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। आप कह सकते हैं कि एयर कंडीशन सिस्टम जो है ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट, इसके बारे में भी हम लोगों ने इसमें चर्चा की है। अब जो हमारी जो इम्पोर्टेंट यूनिट है रोड सेफ्टी, जी ये मतलब क्या हो रहा, मैं देखता हूँ कि गाड़ी लोग चलाते हैं इतनी हाई स्पीड में चला रहे हैं, क्योंकि तो स्टैंडर्ड बना हुआ है कि 80 या 90 से हाईवे में ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन 120 130 में लोग दौड़ा जा रहे हैं। तो इतना खतरनाक हो गया है कि उसमें 1 सेकंड का अगर थोड़ा सा भी आपने ध्यान हटाया या मोबाइल से बात करने लगे तुरंत एक्सीडेंट होता है, जी और फिर वो कोई बचता नहीं है उसमें, तो सब फैटल ही होता है। इसलिए सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेफ्टी जो है हर एस्पेक्ट में, चाहे अपने घर हो चाहे बाहर हो, आप ठीक से काम कर रहे हैं या कोई ऑपरेट, उसके लिए ध्यान में के रोड सेफ्टी के बारे में इसमें एक यूनिट डाली गई है और इसमें सभी चीजें बताई गई हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। और जो भी एक्सीडेंट के कॉजेस हैं तो है उसमें देखिए ड्राइविंग इन ड्रंक कंडीशन, यूजिंग सेल फोन, ओवर स्पीडिंग, ड्राइविंग इन रॉन्ग लेन्स, टर्निंग विदाउट गिविंग साइन, ये भी राइट बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। मैं बिल्कुल आपको किस्सा बताऊं, एक हमारे कलीग ने बताया कि वो साइड में अपनी गाड़ी खड़ी करके उसमें पंक्चर हो गई थी और वो पहिया बता रहे थे, पहिया चेंज कर रहे थे, अचानक एक बस आई और उसने उनको हिट कर दिया, बेचारे साइड में खड़ी करके। और ऐसी टर्निंग हो जाती हमारे देश में ऐसी बनी कि दिखता ही नहीं है आगे कौन बैठ खड़ा है। जी तो उस स्पीड में भी जो रॉन्ग साइड से ओवरटेकिंग हो रही है, या आपने देखा होगा कि लोग आजकल पान गुटखा खाते हैं और कार का दरवाजा खोल के थूकते हैं, जी जी अगर टू व्हीलर्स बहुत स्पीड में आ रहा है बहुत मुश्किल हो जाता है वहां और बचना। बहुत बचना मुश्किल है, उसकी डेथ हो जी जाती है। ये जी बहुत, जी ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी कि बिल्कुल आप चलती गाड़ी में कार का दरवाजा खोल के आप स्पिट कर रहे हैं जी और पीछे से टू व्हीलर आ रहा है, उसको तो मालूम नहीं है कि ये दरवाजा खुलेगा खोलेगा अचानक बिल्कुल और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जी केसेस हुए हैं। जी तो बिल्कुल रोड सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए इसके रोड सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में बात हो रही है कि आज हमें हेलमेट है, टू व्हीलर हेलमेट है, बाइसिकल हेलमेट है, सभी का कंपलसरी है। बिल्कुल मैं सर आपका और आपको ये भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस सत्र में हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, तो आपको प्रिसाइजली थोड़ा इसको करना होगा क्या ये कंप्लीट हो ठीक पाएगा या नहीं, तो ताकि हमारी बातचीत जो है है सार्थक जी रहे और उन बच्चों तक पहुँचे जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। या जी तो ये मैं रोड सेफ्टी के बारे में बता रहा था कि ये आज मुझे, मैं बहुत ही खुशी होती है जब मैं कुछ राज्यों में जाता हूँ, देखता हूँ कि वहां कंपलसरी सीट बेल्ट बांधे रहते हैं लोग, क्योंकि उनको डर है कि चालान हो जाएगा। कुछ राज्यों में देखता हूँ कि वो सेफ्टी के फॉलो नहीं, हेलमेट हाथ में लेके चलते रहते हैं जी और पुलिस वाले को देखते हैं तभी हेलमेट पहनते, लेकिन ये नहीं जी सोच रहे हैं कि एक्सीडेंट होने जाएगा तो पुलिस वाला तो बाद में आएगा। तो जी अपनी सेफ्टी बहुत जरूरी है कि आप इसका भी ध्यान रखें, सीट बेल्ट लगाएं आप लोग, और डिस्टेंस प्रॉपर लेन करें, एयर बैग्स का यूज करें। इस तरह से सब चीजें के बारे में बताया गया है, सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग के बारे में बताया गया है कि ये आपको हमेशा ख्याल रखना है। तो इस तरह से रोड साइंस इसके बारे में बताया गया, कैसे आपको फॉलो करना है जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं, पूरा इसमें जो ट्रैफिक रूल्स है उसके बारे में बताया गया है। देख रहे हैं कि आपको टर्निंग लेनी है, राइट लेना है, आपकी गाड़ी में अगर इंडिकेटर नहीं है तो आपको मैनुअल कैसे करनी है। ट्रैफिक साइंस के बारे में, साइन के बारे में बताया गया कि ये मैंडेटरी है, ये कॉशन है, ये पार्किंग साइन है, इंफॉर्मेशन साइन है, तो आपको इसको फॉलो करना है। ये बच्चों में बहुत जरूरी है, मालूम होना चाहिए।
इसी तरह ड्राइविंग रूल रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया कि जो भी हम गाड़ी को हमको कैसे हम लर्निंग लाइसेंस लेंगे, कैसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसके बारे में बताया गया। और सबसे बड़ी हमने इसमें कोशिश की बताने की ट्रैफिक ऑफेंस क्या क्या है, गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं, कितने के फाइन होते हैं, कितने के चार्जेस होते हैं, इस तरह ये सब चीजें इसमें डाली गई हैं। तो इस तरह से बच्चों को मालूम हो मोटर व्हीकल एक्ट क्या होता है, हॉर्न जहाँ कहाँ बजाना है, कहीं कहाँ नहीं बजाना है, या येलो लाइन का वायलेशन करते हैं तो आपको कितना फाइन लगेगा। इस तरह से मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बताया गया है, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट क्या है, इस तरह से जो आप देखेंगे दिल्ली मोटर व्हीकल एक्ट रूल्स क्या है। तो ये एक अवेयरनेस होनी चाहिए बच्चों को, और साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस के बताया कि 18 साल से ऊपर के बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि ये ऑटो वाले स्टूडेंट्स हैं तो इनके लिए व्हीकल चलाना है और इनके लिए जरूरी है। तो जो भी मोटरसाइकिल इंजन कैपेसिटी 50 CC से है उनके लिए 16 साल की उम्र में लाइसेंस बनना चाहिए। तो हम लर्निंग लाइसेंस की बात करते हैं, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की बात की है, लाइट मोटर के लिए, हैवी मोटर व्हीकल के लिए, इस तरह पूरा इसमें चीज़ें डाली गई। अब लास्ट में जो इम्पॉर्टेंट है व्हीकल मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग, इसके बारे में हमने इसमें काफ़ी चीज़ें बताई, कैसे कार आती है आपके स्टोर में, कैसे कस्टमर से डील करना है, कैसे आपको सर्विसिंग के लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या आपको कितने किलोमीटर में आपको सर्विसिंग करनी चाहिए, पूरा डिटेल इसमें बताया गया है। उसी देश में जो डेली इंस्पेक्शन क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। अब क्या 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 होता है, कभी कभी हम गाड़ी चला देते हैं, अब पता लगता है कि हमारे टायर में हवा ही नहीं है जी, और चले जाते हैं 25 किलोमीटर, उसके बाद पता लगता है कि आपका टायर डैमेज हो गया। अगर हम 2 मिनट अगर हम देख लें कि हमारा टायर में हवा है कि नहीं, हमारा कोई टायर दबा हुआ तो नहीं है, मतलब अगर आप आजकल तो इतने इंडिकेटर्स आ गए हैं कार के डैशबोर्ड में, बता देते हैं कि इंजन में ऑयल कम है कि नहीं, रेडिएटर में कूलेंट लेवल है कि नहीं। तो ये जरूरी है कि इस चेक्स डेली इंस्पेक्शन जरूरी है। उसी तरह आपको इसको मेंटेनेंस कैसे करना है उसके बारे में बताया गया है। तो ये धीरे धीरे पूरा जो है चेकअप के बारे में बताया गया, ऑयल कैसे चेक करना है, बैटरी चेक करना है, ब्रेक्स को, टायर को, एयर कंडीशनिंग को, सभी चीज़ों का इसमें कोशिश की गई बताने की। और इससे कि हमारी अगर व्हीकल को ठीक से ड्राइव करते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, इन सभी चीज़ों का बताया गया है। और व्हीकल सर्विस प्रोसीजर बताया गया, कैसे कैसे सर्विसिंग करनी है, कैसे कैसे वर्कशॉप में एक्टिविटीज़ होती है, जॉब पार्ट कैसे बनते हैं, वॉशिंग व्हीकल कैसे करते हैं, इंजन की माइनर ट्यून कैसे करते हैं, बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे चेक करना है, लाइटिंग सिस्टम कैसे चेक करनी, टायर का हवा कैसे चेक करना है, इस तरह से पूरा जो प्रोसीजर है व्हीकल सर्विस स्टेशन पे उसके बारे में एक्सपोज किया जाता है। और जॉब कार्ड के बारे में बताया जाता है, कैसे इसको फिलिंग करनी है, कैसे डिटेल लिखनी है, ये बच्चे को मेंटली तैयार कर देता है कि वो इस काम के लिए रेडी हो जाए। उसी तरह लास्ट में जो हम देखेंगे, जो हमने यूनिट डाली है इनोवेशन, इनोवेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पैसेंजर सेफ्टी के लिए। और जैसा आपको मैंने पहले ही बताया था कार में क्या क्रांति आ गई, कार में क्या चीज नहीं है, तो इसीलिए इसमें काफी चेंजेस है। पहला चीज आपने देखा कि अल्टरनेटिव, पहले क्या होता था डीजल से गाड़ी चलती थी, पेट्रोल से, अभी क्या हो गया एथेनॉल आ गया, आपने सुना होगा जेट्रोपा का यूज हो गया, सोलर लाइट, सोलर एनर्जी सिस्टम यूज होने लगा, और इलेक्ट्रिक कारें आ गई, तो हाइब्रिड व्हीकल्स आ गई, तो ये MPFI सिस्टम ज़्यादा आ गया, तो नई टेक्नोलॉजीज आ गई। उसी तरह आपने देखा कि हमारे देश में इसी इनोवेशन में टाटा नैनो कार आई थी, टाटा मोटर, तो सबसे छोटी और सबसे लोवेस्ट प्राइस थी जी। और इसका पर्पस यही था कि हमारे देश में हर आदमी के पास कार हो जी। तो इस तो हमने इसी तरह गैस इलेक्ट्रिक हाइब्रिड फ्यूल सेल बायोमास, बायोमास से मीथेन से जो फ्यूल का यूज करके ये ऑटोमोबाइल में आजकल बड़ी बड़ी ट्रक्स चल रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा चाइना में तो गुब्बारे में गैस भर लेते हैं, मीथेन गैस भर लेते हैं, वो छत के ऊपर लगा देते हैं और उससे वो कारें और ट्रक चलाते हैं। तो ये देखिए इनोवेशन हो रहा है। और देखिए जो बात हो रही थी गैस इलेक्ट्रिक हाइब्रिड्स की, देखिए हर जगह अभी चार्जिंग स्टेशन की बात हो रही है कि हाईवे में चार्जिंग स्टेशन जाएंगे, इलेक्ट्रिक कार आ जाएगी, तो ये एक रेवोल्यूशन आएगा। तो ये इनोवेशन का ही पार्ट है,
जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। और आपको ये बायोमास फ्यूल भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। जो भी अब क्या होता है कि जो भी हमारे बायोमास, बायोमास से मतलब हमारे जो ऑयल सीड्स हैं या जो भी लकड़ी है, इनके अगर कम्बशन करते हैं तो इससे गैस बनती है, उस गैस को यूज़ करते हैं। या जैसे मस्टर्ड ऑयल है, जेट्रोफा ऑयल है, अगर हम ब्लेंडिंग करते हैं, ब्लेंडिंग का मतलब 70% पेट्रोल और 30% हमने ये बायोमास फ्यूल मिला दिया, तो उससे इंजन चलता है और आपकी कॉस्ट, आपको जैसे मालूम होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेट्रोल जो है बाहर से मंगा रहे हैं जी, 90% हमारा फ्यूल बाहर से आ रहा होता है, ज़्यादा हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। गवर्नमेंट का जो है इतना ज़्यादा एक्सचेंजर जाता है, डॉलर्स जाते हैं, डॉलर में खरीदना पड़ता है, उसको रिप्लेस कर रहा है। अगर हम इलेक्ट्रिक कार आ जाएंगी, हाइब्रिड कार आ जाएंगी, बायोमास फ्यूल आ जाएगा, तो हमें उनके ऊपर डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी। ये जरूरी है कि हमें इनोवेशन से ही सब पता लगता है। और फ्यूल सेल्स की बात हो रही है जिससे कि इंजन चल रहे हैं, अभी जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हम एयर से हम इंजन चलाएंगे। आप सोचिए जो फ्यूचर जो है हमारा, पेट्रोल की भी जरूरत नहीं, एयर से चलाएंगे। तो इस तरह से ऑटोमेटिक पार्किंग की जरूरत पड़ गई है, उसी तरह प्री स्कैन टेक्नोलॉजी आ गई है, कोलिजन वार्निंग का सिस्टम आ गया है। तो ये सब इनोवेशन आज हमारे देश में आ रहा है, हमारे ऑटोमोटिव सेक्टर में आ रहा है, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें जी। तो इस तरह से मैंने इस सातों यूनिट में ऑटोमोटिव सेक्टर को यूनिट्स को डाला है जी। मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यदि हम बात करें तो उसका भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी समावेश हो गया है। कुछ ऐसी भी कार्स हमारे कंट्री में आज बिक रही हैं जो कि ऑडियो डिटेक्ट करती हैं यूज़र का, या उनको स्कैन, उनका कोई ना कोई बायोमेट्रिक यदि स्कैनर वहां पर है तो उनसे भी वो ऑपरेट हो रही हैं, संचालित हो रही हैं। तो जैसा आपने कहा कि हाँ, तकनीक बदल रही है और बदलते दौर में जो है एक ऐसी गुंजाइश है जहाँ पर इनोवेशन के लिए ही जगह है, क्योंकि नया नया यदि नहीं होगा तो आप अपडेट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, जैसा आपने कहा था। तो हमारे पास बिल्कुल सही कह रहे, सही कह रहे। देखिए, इसीलिए आज कीलेस व्हीकल आ गई, जिसमें आपको चाबी भी नहीं लगानी है, केवल आपको बटन से स्टार्ट करना है। देखिए, ये तो इनोवेशन आ ही रहे हैं, और जब तक इनोवेशन होगा तभी पब्लिक अट्रैक्ट भी होती है जी। आपने देखा होगा कार के ऊपर आजकल एक ऊपर वाली बॉडी खुली रहती है, तो मतलब आप जंगल में जा रहे हैं तो यू कैन एंजॉय द नेचर आल्सो। तो आप तो जैसे पिक्चरों में आपने देखा होगा कि कारें जो है पानी में भी चल रही हैं और हवा में उड़ रही हैं। जी जी बिल्कुल। अभी जो कल्पना थी कि समुद्र में हमारा हेलीकॉप्टर उतरेगा और व्हीकल का भी काम करेगा, बोट भी बन जाएगा और हेलीकॉप्टर भी बन जाएगा। टेक्नोलॉजी तो, इनोवेशन तो हो ही रहे हैं सर। बिल्कुल, ये इनोवेशन तो नए आयाम गढ़ेगा ही, और मुझे लगता है यही हमारे जो फ्यूचर के इंजीनियर्स हैं वो ज़रूर इसको कर पाएंगे, और ये ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन का जो ये सत्र है उनका, उनको हेल्प करेगा। और हमारी ये जो पुस्तक है जो आपने बनाई है, और ये PSS CIVE की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, तो मैं सभी दर्शकों से और ख़ासकर अपने छात्रों से निवेदन करूंगा कि वे इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने ये ऑटोमोबाइल सेक्टर का हमारा मीट द ऑथर का सेशन लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और हमारा ये सेशन यही समाप्त होता है। हमारे रेगुलर सेशंस के लिए आप जुड़े रहिए PME विद्या चैनल के साथ और NCERT ऑफिशियल यूट्यूब के साथ। नमस्कार।